अच्छा कि टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए तो हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से 200 रन कर पा रही है अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, लेकिन अगर इंडिया का वो प्लेयर देखा जाए जसपाल, वो उसने 74 बॉल्स में 80 रन किए हैं, वो अच्छा खेल रहा था, ऐसी क्या वजह है? आप टैलेंट, मैं आपको दिलवाता हूँ, मोहम्मद आमिर टैलेंट नहीं था, सलमान भट्ट टैलेंट नहीं था, मोहम्मद आसिफ टैलेंट नहीं था, टैलेंट थे उनको मैनेज नहीं किया गया, वो तभी ये गलत साइड पे गया और इस चीज में इन्वॉल्व हो गया। इंडियन प्लेयर जो मुसलसल अच्छा खेलते जा रहे हैं, धूम मचाते जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो वो अच्छा नहीं खेल रही, ऐसी क्या वजह है? देखिए, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, असल में थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होती है। हमारे यहाँ मीडिया भी, सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देता है, कभी परफॉर्मेंस अच्छी होती है कभी बुरी होती है। 3 साल तक जैसे बाबर आजम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वो टॉप पर रहा, रेगुलरली रन्स बनाता रहा, बिल्कुल ऐसे। तो अब ये 1 साल थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा है, इसमें भी रन्स वो कर रहा है लेकिन उतना रेगुलरली नहीं जितने पहले 3 साल कर रहा था, तो ये ऊंच नीच तो होती रहती है खिलाड़ियों के अंदर। लेकिन उन्होंने बाद में शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया, तो वो कैसा खेल रहा है? शाहीन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो उसकी इस साल नहीं रही है, टॉप पर जरूर है लेकिन वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं रही है, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहिए। बहुत क्रिटिसिज्म हर वक्त अच्छी चीज नहीं है। जैसे मैं समझता हूँ कि रिजवान और बाबर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रेगुलरली रन्स बना रहे हैं, बाकी खिलाड़ी उतना रेगुलर रन्स नहीं बना रहे, स्पेशली हमारे जो फिनिशर्स हैं, जो हिटर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो अच्छा परफॉर्म न करने की वजह से ही अक्सर जो मैचेस हम ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जीत सकते हैं, वो हम हार जाते हैं। हमारे खिलाड़ियों को उस वजह से एक उनके दिल में खौफ बैठ गया है। एक होता है ना खिलाड़ी, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, मैक्सवेल की बहुत अच्छा फिनिशर है, लेकिन उसको पता है मेरी एक फिक्स पोजीशन है टीम के अंदर, वो उसके लिए टीम के जीतने के लिए खेलता है। हमारे अक्सर खिलाड़ी जो बाबर और रिजवान के अलावा है, उनकी टीम में चूंकि फिक्स जगह नहीं है, वो फिक्स जगह है, उसकी वजह से वो इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि 2 मैचेस के बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, तो उस वजह से वो उस खौफ की वजह से खुल के भी नहीं खेलते हैं। एक बंदा होता है जिसको पता होता है कि मेरी एक फिक्स पोजीशन है टीम के अंदर, वो फिर टीम के लिए खेलता है। हमारा खिलाड़ी जो है वो आता है, उसको ये खौफ ही नहीं छोड़ता कि मैं अगली सीरीज में होगा या नहीं होगा, तो वो उतना खुलकर परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं आजम खान है, या इसी तरह से साइम अयूब है, या हारिस है, वो अच्छे हिटर्स हैं लेकिन वो टीम में चूंकि पक्की जगह नहीं है, उस वजह से वो उस खौफ की वजह से उतना खुलकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए तो हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से 200 रन कर पा रही है अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, लेकिन अगर इंडिया का वो प्लेयर देखा जाए जसपाल, वो उसने 74 बॉल्स में 80 रन किए हैं, वो अच्छा खेल रहा था, ऐसी क्या वजह है? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, 4 रोजा क्रिकेट तो है नहीं है, हम पिक भी कर रहे हैं T20 क्रिकेट से, तो T20 क्रिकेट से जब हम पिक करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए तो खिलाड़ी ठीक है, वो स्टे करने वाले तो नहीं होते हैं, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटें जो है जहाँ बाउंस भी होता है और सीम भी होती है, ये खिलाड़ी टेक्निक वाइज हमने पिक नहीं किए हुए। हमारे अक्सर खिलाड़ी जो पिक हुए हैं बहुत शॉर्ट फॉर्मेट से T20 से पिक हुए हैं, वो संभाल के खेलना, लॉन्ग इनिंग्स खेलना, जैसे हम देखते हैं कि 50-60 बॉल्स खेलने के बाद वो अक्सर विकेट थ्रो कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, हालांकि वहीं पर तो उसने जब 50-60 बॉल खेलकर सेट हो गया तो फिर लॉन्ग ले जाना है इनिंग्स को, वो शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से हमारे खिलाड़ी जो है वो इतने ज्यादा कंपैक्ट प्लेयर्स नहीं है, स्ट्रोक मेकर्स हैं लेकिन टेक्निक वाइज बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के में टैलेंट की कमी है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट जो एक तो बैन जो रही है उस वजह से भी, फिर 4 रोजा क्रिकेट बहुत कम है, 4 रोजा क्रिकेट में बॉलर का भी सही टेस्ट हो जाता है और बैट्समैन का भी। हमारे अक्सर बॉलर्स भी जो हैं वो आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्मेट खेलने की वजह से वो लाइन लेंथ अच्छी नहीं है, वेवर्ड हो जाते हैं, कभी बॉल जो है वो एक तरफ जा रही है कभी दूसरी तरफ जा रही है। एक फिक्स टेस्ट मैच का बॉलर जैसे होता है फिक्स लेंथ पे बॉल करता है, वहीं से वो बैट्समैन को मजबूर करता है गलत कोई शॉट खेलने पर, हमारे खिलाड़ी वो नहीं कर रहे हैं, बॉलर भी नहीं कर रहे हैं, बैट्समैन जो है वो भी टेम्परामेंट के बगैर खेल रहे हैं, तो ये एक मेजर रीजन। अच्छा, जैसा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है पाकिस्तान ने अभी, तो आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने अच्छा खेला काफी है या नहीं?
देखिए पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ रही है। टीम इंडिविजुअल्स कौन सी? जैसे रिजवान ने एक दो इनिंग्स अच्छी खेली है, इसी तरह जो हमारा नया बॉलर है लड़का, उसने एक इनिंग्स बैटिंग में भी अच्छी खेली, आमर जो है आमर जमाल, तो बॉलिंग में भी उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, कलेक्टिव टीम की तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म नहीं किया है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम को? देखिए एक तो टीम के लिए मैं समझता हूँ कि जो चीज जरूरी है वो कंटिन्यूटी है थोड़ी सी। हमारे यहाँ बोर्ड्स भी बहुत ज्यादा चेंज हो, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अक्सर चेंज हो जाते हैं, इसी तरह से जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा हमें उन्हें टाइम देना चाहिए ताकि वो सेटल डाउन हो टीम के अंदर, सेट होने का भी टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। दूसरा ये कि टीम में उनकी एक पोजीशन बन जाए ना, फिर वो खुलकर खेलेगा अपने मुल्क के लिए भी, लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त देना चाहिए। इंडियन टीम्स को देखा जाए तो वो पाकिस्तान के मुताबिक बहुत अच्छा खेल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है? कंसिस्टेंसी, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं खेल पाते, और उनके जो दूसरे सियासी मशगलात है, जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है हमारी क्रिकेट के अंदर वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे चेयरमैन पीसीबी हैं, वो कितनी दफा चेंज हो चुके हैं, जो प्रोफेशनल बंदा काम करने लगता है उसको चेंज करके आप एक नॉन प्रोफेशनल बंदे को आप बिठा देते हैं। जैसे हमारे नजम शेट्टी साहब है, उनका ताल्लुक सहाफत से है, तो उनका क्रिकेट से क्या लेना देना। आर्मीज राजा साहब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, वो खेल चुके हैं, कमेंट्री कर चुके हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लोर कर चुके हैं। वसीम साहब हैं, तो उनको आपने क्यों हटाया? तो ये चीज प्रोफेशनल रखने के लिए बड़ी जरूरी होती है। इसके बरक्स जो आप इंडियन क्रिकेट में देख लें, जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर है, वो सारे के सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अच्छा, अगर टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम को अगर देखा जाए तो वो बहुत मुश्किल से 200 रन कर रही है, लेकिन अगर इंडियन प्लेयर को देखा जाए तो वहाँ का जसवाल है जो बहुत अच्छा खेल रहा है, जिसने 74 बॉल्स में 80 रन किए, तो ऐसी क्या वजह है? देखिए मैंने फिर वही बात करूंगा, कंसिस्टेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपके पास पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए और क्रिकेट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो नहीं, हम अच्छा क्यों नहीं खेल रहे? देखिए मैंने फिर जवाब दे रहा हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत जरूरी है। आप एक ऐसे बंदे को एक ऐसी चीज में बिठाएंगे जो उस बारे में जानता ही नहीं है, तो कभी उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं टीचर हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे हटा के एक छाबड़ी वाले को कह दें कि आपने बच्चे को पढ़ाना है, तो कभी नहीं पढ़ा पाए, लेकिन बस वो प्रिटेंड कर सकता है, प्रिटेंड कर सकता है, एक्ट कर सकता है, पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, अगर क्या हमारे पास क्या टैलेंट की कमी है जो हम लोग अच्छा नहीं खेल पा रहे? आप टैलेंट, मैं आपको दिलवाता हूँ, मोहम्मद टैलेंट नहीं था, सलमान भट्ट टैलेंट नहीं था, मोहम्मद आसिफ टैलेंट नहीं था, टैलेंट थे, उनको मैनेज नहीं किया गया, वो तभी ये गलत साइड पे गया और इस चीज में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा ऑस्ट्रेलिया के साथ प्ले किया गया है हमने, तो आपको क्या लगता है कि उनकी ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक थी या गलत? देखिए परफॉर्मेंस जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं ना, उन पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बाबर आजम परफॉर्म करे तो स्टेट पर डर ना करे तो भाई इसकी गलती है, कुछ चंद बिल्कुल चंद प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। आप टीम कहते किसको है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो आप टीम को ब्लेम करें, टीम को इम्प्रूव करें, एक पर्सन से कुछ नहीं होता। लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम को? पाकिस्तानी टीम को देखिए, टीम बनती है यूनिटी से, यूनिटी फेयर डिसिप्लिन। हमारा जो हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जना, ये उनका ये, और ये जो तीन फार्मूले आप यकीन जाने, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, चाहे आप क्रिकेट में हैं, चाहे आप किसी और प्रोफेशन में, ये तीन जो पिलर्स हैं इनको फॉलो करें और इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे और कर सकते हैं। आप जो रूट काज की बात करें उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।